हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो सबके घर में ऐसा बॉल देखने को मिल जाएगा, ऐसे फेंका हुआ कबाड़ में, क्योंकि ये फ्यूज हो जाता है और ये 100 रुपये का इजिली मिल जाता है, मतलब एलईडी बल्ब। और ये इसी से हम लोग आज बनाने वाले हैं। ये जो अभी व्हाइट जलता है, अभी ये यहाँ पर देख सकते हैं, हमने DOB लाया हुआ है और ये पिंक कलर का, शायद अब जलेगा तो पता चलेगा फ्रेंड। और ऐसे ही मेरे पास ब्लू कलर का भी है। फ्रेंड्स, अगर आपके आपके घर में डेकोरेटिव आइटम बनाना चाहते हैं तो इससे आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। और ये DOB 10 रुपये का मिल जाता है, आपके लोकल मार्केट में आप देख लीजिएगा आपको कितने का मिलेगा, 10 या 15 रुपये का ही मिल जाएगा। और ये आपके सबके घर में मिल जाता है। और आपको मटेरियल में बस ये दो वायर चाहिए और इसे दो, और सोल्डरिंग आयरन, बस इसको मेल्ट करके इसका सिस्टम बाहर निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने वो थोड़ा ज़्यादा उस कर मतलब अथु स्फीयर टाइप का होता है वो वाला मैंने अथु यूज किया है इसका, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ तक इसका डिफ्यूजर है। फ्रेंड्स, ऐसा एक MI का भी बल्ब आता है जो कि सेम टू सेम ऐसा ही दिखता है। तो फ्रेंड्स, ये उसी पे बनाने वाले हैं। और एक और वीडियो आएगा इसी पे जो कि कलर चेंज करेगा वो LED बल्ब, और ये सिर्फ एक ही कलर में जलेगा। तो फ्रेंड्स, पहले आपको इसको ऐसे खोल देना है, इजिली बाहर आ जाएगा। और आपको सोल्डरिंग मशीन से क्या करना है कि लेकर, मतलब सोल्डरिंग आयरन आपको लेकर, और यहाँ पर देखिए, आप देख सकते होंगे कैमरा में साफ आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, इसको ऐसे करके बाहर निकाल लेना है, इसके टर्मिनल को ऐसे करके फ्रेंड्स इसके टर्मिनल को बाहर निकालना है। फ्रेंड्स, एक देख सकते हैं रेड वाला टर्मिनल बाहर आ चुका है, और ऐसे ही करके आपको ब्लैक वाला भी निकाल लेना है। और फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये देख सकते हैं हमारा दोनों टर्मिनल बाहर आ चुका है, और ऐसे ठोक लेना है। और आपके यहाँ ऐसे ऐसा पेचकस तो सबके यहाँ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो टेस्टर तो इजीली अवेलेबल होता है फ्रेंड्स सबके यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर ऐसे लगा करके और ऐसे कर लेना है। और ये देख सकते हैं आपका ये आपका एल्युमिनियम का हीट सिंक जो कैप होता है वो बाहर आ चुका है। फ्रेंड्स, अब क्या होगा कि ये आपको किट दिखेगा, इसको कैसे निकाला जाए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि ये जो सोल्डरिंग पेस्ट आता है जो कि सब मतलब 10 रुपये का इजिली मिल जाता है, इसको इस पर थोड़ा थोड़ा लगाना होगा। फ्रेंड्स, ये जो आपको दिख रहा है ये सेम चीज़ यही चीज़ है, मतलब इसको रंगा बोला जाता है। फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, और ये अब सोल्डरिंग आयरन से अब ये इजिली मेल्ट हो जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इजिली मेल्ट हो चुका है, और देख सकते हैं यहाँ से गायब हो चुका है, ये यहाँ पर गिर गया है। फ्रेंड्स, हमारे पास सोल्डरिंग रिमूवर भी है, लेकिन अभी यहाँ पता नहीं कहाँ पे रख दिया है हमने, मिल नहीं रहा है अभी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर देख सकते हैं निकल चुका है। और आपको सोल्डरिंग आयरन लेकर क्या करना होगा कि थोड़ा थोड़ा करके, आपके पास वो रिमूवर नहीं होगा तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये नीचे की तरफ जाने लगा, और आपको धीरे धीरे खींचना होगा आपके वो नीचे वाले किट को। देख सकते हैं फ्रेंड्स, धीरे धीरे ये बाहर अंदर की तरफ जा रहा है, एक बार लेफ्ट और एक बार राइट, ऐसे करते करते आपको मेल्ट करना है, ऐसे फिर फ्रेंड्स ये बाहर आ जाएगा इजीली। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, ये हमारा किट बाहर आ चुका है, और इसके दोनों डायोड जल चुके हैं, और ये कैपेसिटर फुल चुका है। तो फ्रेंड्स, LED का ये ड्राइवर है जो कि ख़राब हो चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा। फ्रेंड्स, एक ऐसे कर लेना है आपको, आपके मैं मतलब बता दे रहा हूँ, इजीली आप कर सकते हो, ऐसे करके वायर और इसके अंदर ऐसे डाल देना है पहले मेल्ट करके। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं एक होल बन गया, और इधर भी यही ऐसे ही सेम टू सेम कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो कि दोनों का होल हो चुका है, और हम इसके अंदर अब वायर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर वायर आ चुका है। अब क्या करना होगा कि आपको ऐसे लेकर और यहाँ पर थोड़ा सा क्रीम लगाते हुए सोल्ड कर देना होगा। फ्रेंड्स, इसका कनेक्शन बहुत ही इजी होता है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है फ्रेंड्स, बस सिंपली DOB को इसके ऊपर लगा देना है और आपका बॉल रेडी हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं एक एक टर्मिनल हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये अपना वायर है, इसमें आपको वायर पे सोल्ड करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ पे पूरा भरना होगा। तो ये रहा हमारा वायर और ये यहाँ से इसके अंदर चला जाएगा। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको दोनों तरफ से सोल्ड कर लिया है और ये दो वायर बाहर आ चुके हैं और इसमें आपका जो पहला वाला एलईडी है अब इसको इसमें से बाहर निकालना है। फ्रेंड्स ये ऐसे करके आपको ये एल्युमिनियम का आपको देखने को मिल जाएगा हीट सिंक, ये इसमें स्क्रू नहीं लगाया हुआ है जो कि ठीक मतलब बुरी बात है और ठीक भी है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, हम लोग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि इसको कैसे भी करके बाहर निकाल देना है। फ्रेंड्स आप टेस्टर की मदद से भी इजीली ये काम कर सकते हो और ये देख सकते हो हमारा पीसीबी बाहर आ चुका है जो कि किसी काम का नहीं है। फ्रेंड्स वो ख़राब बॉल का है तो वो किसी काम का नहीं है और अब हम लोग ये वाली डीओ भी यहाँ पर लगाएंगे। फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा कि जो ये वाला एक्स्ट्रा वाला पार्ट है इसको आपको तोड़ लेना होगा। अगर आप में स्क्रू का जगह दिया हुआ है तो मत ठीक ठाक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना होगा। बहुत सारे एलईडी बल्ब में स्क्रू कसा होता है और यहाँ पर ये सस्ते में काम निपटा दिया गया है। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने दोनों का तोड़ लिया है, वही क्या बोलते हैं एल्युमिनियम का टंगड़ी, और यहाँ पर आपको ऐसे फिक्स कर लेना है और ये रहा स्क्रू जो कि सबके पास मिल ही जाएगा इजीली, और यहाँ पर लगा कर आपको यहाँ पर टाइट कर लेना होगा। फ्रेंड्स इधर भी आपको ऐसे लगा कर टाइट कर लेना होगा स्क्रू। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमारा ये बल्ब कस चुका है इस हीट सिंक के अंदर। अगर आपके केस में भी ऐसा हो तो आप इसको फिक्स करके और वहां पे मार्क करके आप आपके पास सीजर हो तो उससे भी होल कर सकते हैं, नहीं तो सीजर से कर लीजिएगा, सीजर सबके यहाँ इजीली मिल जाएगा। फ्रेंड्स ये लगा हुआ है और इसको यहाँ से इसे निकाल लेना है और यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसको पेस्ट में से डिप करना है जो कि अभी पेस्ट हार्ड हो चुका है, और यहाँ पर आपको सोल्डरिंग मशीन से लेकर यहाँ पे सोल्ड करना होगा इसके वायर पे। फ्रेंड देख सकते हैं इसके एक वायर पे सोल्ड हो चुका है और यहीं पे आपको दूसरा भी वैसे ही कर लेना है सेम टू सेम। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो दोनों हो चुका है और यहाँ पर आपको पहले इसको ऐसे फिक्स कर लेना होगा, थोड़ा सा इजी रहेगा फ्रेंड्स, और यहाँ पर आपको पेस्ट लेकर यहाँ पर थोड़ा सा इसके टर्मिनल पे लगाना होगा जहाँ पे आपको सोल्डिंग करना है। फ्रेंड्स ऐसे ऐसे इसको लगा देना होगा और यहाँ पर लग चुका है और आपको किसी को भी किधर भी लगा देना है फ्रेंड्स, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप मैंने इसको एक को सोल्ड कर दिया है और ऐसे ही दूसरे को भी कर लेना है। देख सकते हो फ्रेंड्स ये इजीली सोल्ड हो चुका है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पे इजीली सोल्ड हो चुका है, ऐसे ही आपको भी सोल्ड कर लेना है, और मेरे केस में वायर थोड़ा मैंने बड़ा ले लिया है और आपको यहाँ पर लगाकर इसको ऐसे फिक्स कर लेना होगा। फ्रेंड्स ये इजीली क्लोज हो जाता है, ये अंदर चला जाता है
और इसके ऊपर से इस डिफ्यूज़र को लगा देना है। फ्रेंड्स ये लग चुका है, अगर ना अच्छे से मतलब ना लगे तो आप फेविक्विक का भी यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको एक होल्डर ले लेना है चेक करने के लिए, नहीं तो आप इजीली चेक कर सकते हो। मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। फ्रेंड्स ये जो एक्सटेंशन मैंने बनाया था जो कि आप देख सकते हो, इसका वीडियो आपको देखने को मिला होगा यूट्यूब पे है। फ्रेंड्स अगर आप चाहो तो देख सकते हो, और इसके आई बटन में आपको इसका लिंक भी देखने को मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो देख सकते हो जाकर। तो चलिए अब देखते हैं, जला कर देखिए मैं निकाल लेता हूँ। और यहाँ पर फिर से मैंने यहाँ पे डाल दिया और इसके बाद ऐसे जलाया, तो फ्रेंड देख सकते हो ये एकदम ओरिजिनल बल्ब की तरह जल रहा है। और आप इसका कलर देख सकते हो कैसा जल दिख रहा है। एक मैंने ये 10 रुपए में तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स ऐसा ही आप भी यूज कर सकते हो, और ये बहुत ही सस्ते में बन गया जैसा कि मैंने आपको बताया। और मैं फ्रेंड्स किसी और वीडियो में, एक और है मेरे पास, और फ्रेंड्स और एक कलरफुल भी है, मतलब मेरे पास बहुत है, और मैं 3-4 ऐसा बनाने वाला हूँ फ्रेंड्स, और आपको उसका भी वीडियो देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स नए में आप ये यूज कर सकते हो, जैसे कि आप डेकोरेटिव आइटम की तरह जैसे आप लगा सकते हो बल्ब, और नाइट में मतलब वो हो सकता है, और पूजा में लगा सकते हो क्योंकि बहुत लोग लगाते हैं, और स्टूडियो में यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।